90 के दशक की सुपरहिट अभिनेत्री निरूपा रॉय तो आपको याद ही होंगी। निरूपा रॉय उर्फ कोकिला बहन का जन्म 4 जनवरी 1931 को वेलसाइड गुजरात के गुजराती परिवार में हुआ। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। शुरुआत में वह मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं की भूमिका अदा करती थी। उनके अभिनय के कारण ही लोग उन्हें इस हद तक प्यार करते थे कि वास्तव में उनसे आशीर्वाद लेने लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। 1970 के दशक में देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई दिग्गज अभिनेताओं की मां की भूमिका निभाने के लिए टाइपकास्ट किया जाता था। वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अलग अलग फिल्मों में धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल की मां की भी भूमिका निभाई है। 1955 में उन्होंने देवानंद की मां की भूमिका निभाई, हालांकि वह उनसे लगभग 8 साल छोटी थी। उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कमल रॉय से हो गई। निरूपा रॉय के पति कमल रॉय मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहते थे और निरूपा रॉय ने उनका इसमें पूरा साथ दिया। वह भी उनके साथ मुंबई चली गई। मुंबई जाकर कमल रॉय फिल्मों में ऑडिशन देने जाने लगे। एक दिन अचानक कमल रॉय ने निरूपा रॉय से साथ चलकर ऑडिशन देने को कहा। निरूपा रॉय ने ऑडिशन दिया और उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया। इसके बाद एक्ट्रेस का सिक्का बॉलीवुड में ऐसा जमा कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरूपा ने अपने 60 साल के करियर में तकरीबन 500 से अधिक फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में धार्मिक रोल ही अदा करती थी और उनके चाहने वाले उन्हें देवी की तरह पूजते थे। इतना ही नहीं, वह बॉलीवुड की माँ के नाम से भी फेमस थी। दिग्गज अभिनेत्री निरूपा रॉय ने कई फिल्मों में माँ का रोल प्ले किया। खासकर अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में रोल अदा किए। निरूपा रॉय उस वक्त अमिताभ बच्चन की दूसरी माँ कही जाने लगी जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारी फिल्मों में उनकी माँ का रोल निभाया। दीवार, खून पसीना, इंकलाब, अमर अकबर एंधनी, सुहाग, गिरफ्तार, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन के लिए माँ का किरदार निभाया। लेकिन उनकी सबसे यादगार भूमिका फिल्म दीवार में ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की माँ के रूप में शोले की ही तरह इस फिल्म के डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।